नमस्ते मेरा नाम अनु है अब हम करेंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस हमारी प्रेस कितनी आज़ाद है पेज नंबर सेवेंटी सेवन और अब हम करेंगे ग्लॉसरी एंड नोट्स माने ये जो शब्द लिखे गए हैं इनके मतलब समझाएंगे ठीक है तो पहला वाला है टेक फॉर ग्रांटेड इसका मतलब है ज़्यादा महत्व नहीं देना या महत्व नहीं समझना किसी चीज़ का जैसे आप आ, मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी शायद आपके आ, मम्मी आपकी मम्मी जो हैं आपके लिए खाना बनाती हैं तो आप मम्मी को खाना बनाने के लिए टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं माने महत्व नहीं देते हैं उस पर फिर दूसरा वर्ड है रिस्ट्रिक्शंस इसका मतलब है प्रतिबंध माने जैसे अगर कोई हादसा होता है और पुलिस जो है टेप डाल देती है वो एरिया पे और बोलती है उस उधर आप अंदर नहीं जा सकते हैं तो वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है या प्रतिबंध डालते हैं ओके okay, होलसम इसका मतलब है स्वस्थ दुरुस्त हेल्दी स्वस्थ, स्वस्थ के लिए अच्छा ठीक है तो जैसे अ, अ, अगर आप बोल हम बोलते हैं कि अ, स्वस्थ या दुरुस्त चीज़ें खाओ तो होलसम होती हैं वो जैसे दाल सब्जी रोटी दही सब होलसम होती हैं ओके okay, सेंसरशिप सेंसरशिप um, का मतलब सेंसरशिप को हिंदी में भी सेंसरशिप ही बोलते हैं इंग्लिश में भी सेंसरशिप बोलते हैं um, uh, जब कोई चीज का प्रतिबंध लगा दिया जाए और उस पर रोक की जाए वो होता है सेंसरशिप अच्छा सब वर्ड माने सब uh, वर्ड माने तख्त पलट पलटना ठीक है तो आ, या, कि किसी आदमी को गिराना बेसिकली कॉज द डाउनफॉल ऑफ कुछ आ, ऐसे पीछे से कहना या कुछ लिखना उनके बारे में जो आ, उ, 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 उनको नीचे करते हैं तख्त पलट पलटना अच्छा इनसाइट माने उतर्जित करना इंसाइट uh, जैसे uh, बोल सकते हैं कि द मॉब्स वर इंसाइट टू वायलेंस बाय द पॉलिटिशन्स स्पीच जब uh, कोई पॉलिटिशियन ने जाके स्पीच दी उन्होंने बहुत आग लगाई और uh, जैसे इंसाइट जो होता है आग लगाना होता है। ठीक है डिसकंटेंट माने असंतोषी डिससेटिसफेक्शन माने आप खुश नहीं हो किसी चीज़ के बारे में कंटेंट माने खुश होना, डिसकंटेंट ना खुश ओके स्कैंडल्स स्कैंडल्स होते हैं लाइक like, कलंक या बहुत खराब बात uh, जब कुछ निकलता है जैसे पॉलिटिशन ने पैसा लिया टेबल के नीचे और फिर कुछ काम किया वो स्कैंडल होता है तो खराब बात या कलंक ओके, फोमेंट फो फोमेंट माने होता है एक्साइट होना या उतर्जित करना या आग लगाना पर आग लगाना ख़राब सेंस में नहीं अच्छे सेंस में आग लगाना एक्साइटेड होना ठीक है हैरी हैरी का मतलब होता है हरास या बार बार आक्रमण करना उस किसी चीज पे किसी को बहुत तंग करना का मतलब हैरी ओके कोअर्स कोर्स इज़ uh, दबाव डालना um, किसी पे जब दबाव डाला जाता है चुप रहने के लिए ऐसा कुछ वो कोर्स होता है अच्छा डिजास्टर्स डिज़ास्टर्स uh, माने एकदम दुखित वाली बात और डिज़ास्टर ये भी होता है जैसे अगर सुनामी आई थी जापान में कुछ साल पहले वो डिज़ास्टर होता है या कहीं भूकंप आए वो डिज़ास्टर होता है तो डिज़ास्टर्स माने बहुत ख़राब बात या दुखद बात ओके कंट्राइव इज कंट्राइव माने जब कोई चीज सच भी नहीं होती है पर उसको um, uh, उसको बताना या कुकप करना या इन्वेंट करना कंट्राइव माने कुछ um, uh, कुछ बनाना जहाँ कुछ है ही नहीं ठीक है वो है होता है कंट्राइव शैकल्ड या शैकल्ड माने चेंड अप जैसे शैकल्स होते हैं जो uh, हथकड़ी पहनाते हैं वो शैकल्स होते हैं तो शैकल्ड माने चेंड अप अच्छा ओवर लॉर्ड्स uh, माने एप्सलूट रूलर्स जो राजा महाराजा होते थे वो एप्सलूट uh, रूलर्स होते थे वो ओवर लॉर्ड्स जैसे होते थे माने उनके ही कंट्रोल में सब था ओवर लॉर्ड्स बैंक्रपसी माने दिवाला निकल जाना सारा अपना आपका पैसा ख़त्म हो जाना ठीक है रेवेन्यू वो रेवेन्यू माने जितने पैसे मिलते हैं जब आपको सैलरी मिलती है या कोई कंपनी को जब उनका रेवेन्यू होता है माने उनका उनको कितने पैसे मिलते हैं जो अगली दो शब्द हैं वो ठीक से दिख नहीं रहे हैं या तो मैं बता नहीं सकती आ, आपको क्या मतलब है अगले पेज पे चलते हैं नंबर सेवेंटी एट प्रिकेरियस आ, प्रिकेरियस का मतलब होता है ख़तरनाक या डेंजरस अच्छा प्रोप्राइटर होता है मालिक या ओनर अच्छा विरुलेंट uh, विरुलेंट होता है जहरीला या स्पाइटफुल जब um, किसी को uh, आप uh, आप किसी को अच्छे नहीं लगते तो वो आपके बारे में ख़राब बातें बोलता है फैलाता है जहरीला होता है देन hmm? श्रूड या श्रूड इंटेलिजेंट या कनिंग माने चतुर या चालाक देन hmm? सिनेकल इस uh, का मतलब होता है स्केप्टिकल माने सिनिकल वो लोग होते हैं जो ऑलवेज नेगेटिव ही सोचते हैं कि कोई नेगेटिव ही होगा कुछ खराब ही होगा अच्छा सिनिकल ऐसे लोग होते हैं रेजोल्यूट इज डिटर्मेंट माने जिन्होंने अपने uh, अपने माइंड में अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया हो डिटर्मेंट होते हैं वो होते हैं रेजोल्यूट अच्छा डिसमिनेट्स इज़ टू स्प्रेड फैलाना डिसमिनेट्स इज़ फैलाना ठीक है टिटिलेटिंग इज अ अखपूर्वक स्टिम्यूलेट करना वो होता है टिटिलेटिंग लॉर्ड नॉर्थ क्लिफ एल्फ्रेड चार्ल्स विलियम हार्मशॉर्ट ब्रिटिश न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर मालिक हु हुवायर्ड अ चेन ऑफ न्यूज़पेपर्स उसने न्यूज़पेपर uh, uh, की एक चेन थी बहुत सारे न्यूज़पेपर थे उसने वो लिए अंदर एंड फाउंडेड द डेली मेल उसने डेली मेल फाउंड किया द फर्स्ट चीप पॉपुलर इंग्लिश डेली वो जो थी वो पहली सस्ती और पॉपुलर माने सबको अच्छी लगती थी सब खरीदते थे इंग्लिश डेली थ्रू दिस ही इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक ओपिनियन एस्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आ, वो डेली मेल के थ्रू और वो सारे पेपर्स के थ्रू उसने इन्फ्लुंस किया कि पब्लिक को कि वॉर में क्या चल रहा है और उनकी क्या राय है इसके बारे में ठीक है तो हम यहाँ बंद करते हैं फिर हम नेक्स्ट टाइम और शब्दों के साथ स्टार्ट करेंगे